हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसा कि आपको पता है, हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो बाकी बच गए थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइन एज गुड्स। कि जब आप सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट को पढ़ते हो तो उसके अंदर गुड्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर आप किस किस को इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो गुड्स है उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में, ठीक है। इसमें आप किसको इंक्लूड करते हो, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, उन सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप इंक्लूड करते हो। ग्रोइंग क्रॉप्स हैं उसको भी इंक्लूड करते हो, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, इनको भी आप इंक्लूड करते हो। किन को इंक्लूड नहीं करते, एक्सनेबल क्लेम हो गए, बुक डेट्स मतलब डेटर्स हो गए, मनी हो गए, ठीक है, इनको आप गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। किसको, एक्सनेबल क्लेम्स को, बुक डेट्स को और मनी को, ठीक है। तो अब इसने पूछा था इसमें से किनको आप हैं गुड्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करोगे, किनको करोगे, ए और बी, यही ऑप्शन राइट है आपका। मूवेबल प्रॉपर्टी को भी करेंगे और ग्रोइंग क्रॉप्स को भी करेंगे, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू वारंटी, यानी इसमें से कौन सा है वो वारंटी से रिलेट है। एक बात आप देखना, जब आप वारंटी की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसके अंदर ये साफ लिख रखा है कि अगर मान लो कोई जो दूसरी पार्टी है वो अगर मान लो वारंटी को ब्रेच करती है ना, तो उस केस के अंदर एग्रेसिव पार्टी है ना वो ओनली डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है, जितना उसको लॉस हो रहा है। जैसे मान लो आपने है कार परचेज की है, अब मान लो उसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिली थी, ठीक है, तो उस केस के अंदर मान लो अगर मान लो जो कार है, अगर मान लो उसके अंदर थोड़ी बहुत डैमेज वगैरह हो जाती है और दूसरी पार्टी है वो वारंटी को ब्रेच कर देती है, ठीक है, मान नहीं रही, तो उस केस के अंदर मान लो आपको जितना जो डैमेज हुआ है, जितना लॉस हुआ है ना, उतना लॉस ही आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसने पूछा था कि कौन सा है वो वारंटी से रिलेट है, तो इट इज विजुअल इंपॉर्टेंस फॉर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए वारंटी इसेंशियल है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिना वारंटी के भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है। फिर नेक्स्ट कहता है इफ देर इज ए ब्रेच द एग्रेसिव पार्टी कैन रेपुडेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई वारंटी ब्रेच कर देता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेच हो जाएगा क्या, या क्या जो एग्रेसिव पार्टी है वो उसको राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, नहीं, ऐसा राइट नहीं है एग्रेसिव पार्टी को कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद कह रहा है इट इज एसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए जो वारंटी है वो इसेंशियल है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर कहता है इन केस ऑफ ब्रेच द एग्रेसिव पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेज। अगर कोई वारंटी को ब्रेच कर देता है तो उस केस में एग्रेसिव पार्टी ओनली डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है, ये बिल्कुल राइट है। अगर आप वारंटी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर साफ साफ ये लाइन है वो लिखी हुई है, ठीक है। एक होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी, ठीक है। कंडीशन के केस में तो जो एग्रेसिव पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच करने का राइट होता है, लेकिन जो वारंटी के केस में एग्रेसिव पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच करने का राइट नहीं होता, ओनली डैमेज लेने का राइट होता है, जो डैमेज जो नुकसान हुआ है ना उसको लेने का राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो इसने पूछा था मैच द फॉलोइंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब देखो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स और एग्रीमेंट ऑफ सेल है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो पोजेशन है ना, यानी जो ओनरशिप है गुड्स की, वो इमिडिएटली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और जब आप एग्रीमेंट ऑफ सेल पढ़ते हो तो उसके अंदर जो पोजेशन, जो ओनरशिप होती है ना, वो फ्यूचर के अंदर बाद में ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब इसने पूछा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो किसमें तुरंत ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, किसमें हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में, ठीक है। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, बी का क्या आएगा, बी का आएगा आपका थर्ड। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, इसका आंसर क्या आएगा, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी।
प्रोमिसरी नोट्स किसमें आएंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. पढ़ते हैं ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपके क्या क्या आते हैं? प्रोमिसरी नोट्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, चेक हो गए, ठीक है. ये सारे किसमें किसके पार्ट होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के. तो डी का क्या आ जाएगा? फर्स्ट है. लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन है पता नहीं कैसे दे रखे हैं. देखो ये वैसे इन्होंने ऑप्शन है वो रोंग दिए हुए हैं, ठीक है. क्योंकि देखो ए का आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा, लेकिन यहाँ पर तो गिवन ही नहीं है, ठीक है. तो बी का क्या आएगा? बी का आएगा थर्ड, ठीक है. सी का क्या आएगा? सी का फोर्थ. और डी का क्या आएगा? फर्स्ट है, ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है, ठीक है. इसके जो जो नंबर थे वो सारे स्टूडेंट्स को मिले थे. इसके बाद आती है द इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू. इंडेमनिटी होल्डर को इनमें से क्या राइट नहीं है? क्या राइट नहीं है? देखो आप जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जिसके अंदर है ना एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी लॉस से बचाने के लिए क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है. देखो मान लो ए बी सी तीन पार्टी है. अब देखो ए कहता है बी से कि अगर मान लो सी है ना आपके अगेंस्ट कोई क्लेम कर देता है, ठीक है, मान लो 2000 तक का, तो मैं उस क्लेम की है ना क्या करूंगा? कंपनसेट करूंगा, ठीक है. तो ए कह रहा है बी से कि अगर मान लो सी है थर्ड पार्टी है कोई आप थर्ड पार्टी या उसकी वजह से उसको कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, बी की खुद की वजह से ही, खुद की कोई लापरवाही की वजह से ही उसको कोई लॉस हो रहा है, या सी आपके अगेंस्ट कोई क्लेम कर देता है, तो मैं उसको उस डैमेज को पे करूंगा, ठीक है. तो जो जो दूसरी पार्टी को लॉस से बचाने का जो प्रॉमिस कर रहा है उसको तो हम बोलते हैं इंडेमनिटी फायर, इंडेमनिटी फायर, ठीक है, इंडेमनिटी फायर, ठीक है. और जिस पार्टी को लॉस से बचाने का प्रॉमिस किया गया है, जिस पार्टी को लॉस से बचाने के लिए प्रॉमिस किया गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है. तो ये होता है. अब इस केस में कह रहा है कि इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू, किस किस किसके लिए राइट नहीं होता? ऑल डैमेज विच ही मे कंपेल टू पे. मान लो इंडेमनिटी फायर है ना, इंडेमनिफायर है, वो इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट कोई क्लेम कर देता है, तो इसमें से उसको किसका राइट नहीं होता है? पहला कहता है ऑल डैमेज विच ही मे कंपेल टू पे इन एनी शूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच दी प्रोमिस अप्लाई. मतलब वे सभी डैमेज जो किसको पे करने थे, जो इंडेमनिटी फायर को पे करने थे, लेकिन किसको पे करने पड़ रहे हैं मजबूरी में? इंडेमनिटी होल्डर को पे करने पड़ रहे हैं. तो इन डैमेज को तो इंडेमनिटी होल्डर को रिकवर करने का राइट होगा, ठीक है. ये तो क्या है, उसका राइट है. दूसरा क्या है, ऑल कॉस्ट डेट ही पे ही कंपेल्ड टू बियर इन डिफेंडिंग एनी सच सूट. मतलब वे सारी कॉस्ट है जिसको, वे सारी जो लागत है जिसको पे करने का राइट किसका था? इंडेमनिटी फायर का था, लेकिन पे किसको करना पड़ रहा है? इंडेमनिटी होल्डर को, ठीक है. तो उनको तो उसको वापस लेने का राइट है. फिर क्या आता है, ऑल सम्स डेट ही मे हैव पेड अंडर द टर्म ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच यूनिट. यानी वो अमाउंट जो उसको पे करनी पड़ रही है, लेकिन पे करने का राइट किसको था? दूसरी जो इंडेमनिटी फायर था उसको था, ठीक है. तो ये तीनों राइट है, अगर आप देखोगे आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर ही, ठीक है. ये तीनों राइट तो आपके इंडेमनिटी होल्डर के होते हैं. डैमेज फॉर लाइबिलिटी इनकर्ड विच इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी जो डैमेज है जो एब्सोल्यूट टर्म के अंदर नहीं है, ठीक है, उसको पे करने का ऐसा कोई उसको नहीं है, ऐसा राइट उसको नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन थे, बाकी जो बचे हुए हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के, ठीक है. हमने जो स्टैट्स के जितने भी क्वेश्चन थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे, और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे कवर अप कर लिए. इसके बाद हम करेंगे इनकम टैक्स की, ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना. ओके, थैंक यू.